बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे हो, दुनिया व आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तकरीबन मैं सुबह फजर के बाद अपनी जो पढ़ाई वगैरह वो करने के बाद सोता होता हूँ, लेकिन आज नहीं सोया हूँ। आज किसी आदमी का इंतज़ार था तो वो आदमी भी नहीं आया और मेरा नींद भी नहीं पूरी हुई। तो तकरीबन जो उसने टाइम दिया था, तकरीबन 8 बजे का टाइम दिया था, तो वो जब देखा है 8 बजे नहीं आया, तो फिर उसके बाद मैं सोया हूँ। तो अब तकरीबन 9:15 हो रहे हैं, तो अब्बा जी ने उठाया था तो चारा लेने के लिए बाहर निकले हैं, क्यों हमारा वो चारा जो कल हमने पानी वगैरह लगाया वो कल ख़त्म हो चुका था। तो दूसरी तरफ जो हमने ख़रीदे हुए हैं उनकी तरफ हाथ लगाया, क्यों वो भी तैयार हो चुके हैं। तो बस इधर से काटेंगे फिर घर को चलेंगे। तो अब्बा जी और जो लड़का है वो काट रहे हैं, तो मैं तो वैसे ही साथ एंजॉय के लिए या बस डालूंगा अभी थोड़ी देर तक। आज मूड नहीं है काटने का, क्यों सुस्ती सी हो रही है, तो देखते हैं जब काटना शुरू करेंगे फिर वो तबीयत फ्रेश हो जाएगी। ये कटाई हो रही है, ये हमारा चारा जो ख़रीदा हुआ है मुकम्मल, एक कनाल है इधर तक बनती है ये चारों तरफ से, तो वहाँ तक काफ़ी गुलाई में काफ़ी है ये। मना कर देना वो ये पसंद ना आ जाए। कौन चारा हमारा कट चुका है, तो बस अभी रक्षे का इंतज़ार है। तो रक्षे वाले को फ़ोन किया हुआ है, देखते हैं 10-15 मिनट लगते हैं। तो कनकों का मौसम है, ये एक छोटी सी बूंदी सी है, ये तंग करती है, तो इससे काफ़ी तंगी होती है, ये ज़्यादा सा बन जाता है मुंह के आगे तो वो फिर अजीब सा लगता है। तो ये पट्ठों में घोंगलू लगे हुए हैं इधर चारे में, तो वो मैंने तोड़ के इसको छीला है खाने के लिए, तो काफ़ी लगे हुए थे, 3-4 तोड़े हैं मैंने, वो साल लड़के है उसको भी दिए हैं। आज असर की नमाज पढ़ते फौरी निकल आए हैं, क्यों पहले थोड़ा सा 10-15 मिनट के बाद निकलते थे क्यों थोड़ा सा ठंडक हो जाती थी, लेकिन आज वो दोस्त हैं जो पीछे हमारे साथ आते हैं उनको कुछ काम था इसीलिए जल्दी से आ गए हैं। तो अभी बस 15-20 मिनट के बाद फौरी जल्दी जाना भी है वापस, क्यों उनको कुछ चारा वगैरह लेके आना है अब्बा जी के साथ, तो इसलिए मैंने कहा चलो बाहर का थोड़ा सा चक्कर लगाए आते हैं। जब से चारा लेके आए हैं गर्मी है, बाहर निकला ही नहीं जाता है, दिन में गर्मी काफ़ी होती है, तो यही टाइम होता है या सुबह का टाइम होता है बाहर निकलने का। तो बस थोड़ी सी सूरत हाल देखेंगे फिर वापस गर्मी चलेंगे। और हैं बस आ गया, सोख गया ना थोड़ा थोड़ा केड़ा एदा की करना करना। अभी वीडियो अपलोड करने लगा हूँ, तकरीबन अभी 6:10 हुए हैं, तो मैंने कहा अभी से स्टार्टिंग शुरू करते हैं, क्यों आजकल इंटरनेट का रिज़ल्ट बहुत बुरा है जोन का। तो फ़िलहाल हमारे इलाके में, क्यों हम अगर शहर की तरफ जाएं तो नेट अच्छा हो जाता है, तो हमारा जो इलाके का जो टावर लगा हुआ है इस पर कोई प्रॉब्लम आई हुई है जब से ये आंधी हुई है। मैंने सोचा है कि इसकी कंप्लेन वगैरह करें हेल्पलाइन पर, तो बस टाइम नहीं मिलता है। तो जब वीडियो अपलोड करने बैठते हैं फिर याद आता है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमें।
ये है हमारा लैपटॉप, इसको भाई निकालते हैं तो इसमें से। और ये मेरे मोबाइल का चार्जर भी इसी में पड़ा रहता है। तो ये लीड है जो हम इस मोबाइल को लगा के डाटा ट्रांसफ़र करेंगे। और ये चार्ज है इसका। और ये मैं माउस भी यही यूज़ करता हूँ, क्योंकि जो लैपटॉप का अपना माउस है इस पर काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो फिर ये मैं साथ रखता हूँ इसी में। बस अब देखते हैं कितना की टाइम लगता है। ये जब स्टार्टिंग शुरू होती है फिर ही पता चलता है कि कितना टाइम लेगा ये वीडियो अपलोड करने में। तो अभी लगाते हैं, उम्मीद है कि आधे पौने घंटे में हो जाएगी। जो मैं सुबह से देख रहा हूँ रिज़ल्ट, लेकिन जब मैं वीडियो अपलोड करने बैठता हूँ तो उस वक्त ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है। पता नहीं वीडियो के साथ कुछ दुश्मनी है इसकी, तो देखते हैं। क्यों, मगरी के बाद वो दोस्त जो अभी जल्दी आए हैं उनका भी कोई प्रोग्राम है, वो कह रहे हैं कि मगरी के बाद कुछ टाइम दें, कंप्यूटर पे कुछ काम कर लें हम, कि कंप्यूटर पे जो हम काम सीख रहे हैं, क्यों हमारे उस्ताद तो अभी लाहौर में बैठे हैं जो सिखाने वाले थे, तो कुछ ना कुछ हम सीख रहे हैं, खुद ब खुद ही लगे रहते हैं। तो जब वो आएंगे तो वो कुछ समझा देंगे हमें। तो अभी बस वीडियो अपलोड करते हैं। आज भी तकरीबन पहले से टाइम कम लगा है वीडियो अपलोड होने में, पहले से टाइम कम लगा। क्यों, पहले तो टाइम काफ़ी ले रहा था, लेकिन मैंने फिर हेल्पलाइन पे कॉल की है तो उनको कुछ कंप्लेन वगैरह की है तो उन्होंने कुछ ठीक किया है। तकरीबन 10 मिनट लगे हैं सेट होने में, तो फिर घंटा लगा है आज भी वीडियो अपलोड होने में। क्यों, पहले मेरी वीडियो अपलोड हो जाती थी आधा घंटा, 35 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो ज़्यादा टाइम 45 मिनट तक जाता था इसका, लेकिन आज घंटा घंटे से थोड़ा सा ऊपर गई है। तो बस हो गई, उसके बाद हमने ईशा की नमाज़ भी पढ़ी। तो अभी भी टाइम तकरीबन 10 होने वाले हैं, 10 होने वाले नहीं हैं, 10 हो चुके हैं। तो मेरे दिन में अभी आया कि वीडियो का आखिर वाला हिस्सा बस रहता है। तो बस आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा और अपने भाई को अपने खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।